हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हमारे टॉपिक का नेम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पर्म्स को बनाते हैं और बॉडी से बाहर उन्हें रिमूव करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेंटेलिया, टेस्टिस एंड डक्ट सिस्टम। कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट्स हैं। पहला क्या है? एक्सटर्नल जेंटेलिया, दूसरा टेस्टिस, तीसरा डक्ट सिस्टम। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेंटेलिया। इट कंसिस्ट ऑफ सैक लाइक सक्रोटम कंटेनिंग टेस्टिस। कहते हैं कि जो सबसे पहला जो ऑर्गन है वो क्या है? सक्रोटम है, जो कि टेस्टिस को कवर करता है। पीनस विच इज यूज टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहते हैं कि पिनस वो ऑर्गन है जो कि स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफर करता है। टेस्टिस, टेस्टिस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गोनेड्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स का टेस्टिस। कहते हैं कि टेस्टिस जो होते हैं हम इन्हें गोनेड्स भी कहते हैं, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं जो कि स्पर्म्स को बनाते हैं। डक्ट सिस्टम, ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहते हैं कि टेस्टिस के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वेस्ट डिफरेंस इज द मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच फॉर्म्स हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडिडिमस। कहते हैं कि वेस्ट डिफरेंस जो है वो एक मेन डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि कन्वोल्यूटेड एपिडिडिमस को बनाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक टेस्टिस है। जब हमने इनको जूम करके देखा तो हमें नजर आया कि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं एपिडिडमस को बना देते हैं। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इसे हमने एपिडिडमस का नाम दिया है। बाद में जो ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वेस डिफरेंस। और ये जो नजर आ रहा है सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो कवरिंग है टेस्टिस के ऊपर, हमने कहा था कि स्क्रोटम की एक कवरिंग है जो कि टेस्टिस को कवर करती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे एपिडिडमस, एपिडिडमस के बाद वेस डिफरेंस जो नजर आ रही है। वेस डिफरेंस जो होती है इसके साथ क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजिकल्स। ये दोनों जो होते हैं ग्लैंड या जो वेजिकल्स हैं ये क्या करते हैं? फ्लूइड को रिलीज करते हैं जो कि नॉरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को। और यहाँ पे जो क्या है यूरिथ्रा है, और यहाँ पे क्या है पीनस। पीनस इट इज अ ऑर्गन विच इज यूज टू ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम द मेल इन टू द फीमेल। फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ट्रांसफर टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और दूसरा काम जो है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोगोनिया आर प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ सेल जर्मिनल एपिथेलियम। हमने पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एपिथीलियल सेल प्रेजेंट हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया को बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल हैं 2N। दे इंक्रीज इन साइज एंड डिफ्रेंशिएट इन टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विच अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स। कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है और वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस होती है और क्या बना देते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पर्म में। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नॉरिशमेंट टू स्पर्म वाइल दे आर इन ट्यूब्यूल्स। कहते हैं कि सर्टोली सेल जो होते हैं वो फ्लूइड को रिलीज करते हैं जो कि स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, खुराक प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू वेस डिफरेंस एंड देन थ्रू यूरिनोजेनिटल डक्ट डिस्चार्ज आउट। कहते हैं कि जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है वेस डिफरेंस में और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट में और इससे बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन, इंटरस्टिशियल सेल आर प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल्स विच सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन।
कहते हैं कि इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान इंटरस्टेशियल सेल प्रेजेंट हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं। दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ऑल्सो कंट्रोल द डेवेलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कहते हैं कि जो जो टेस्टोस्टेरोन है ये दो काम करता है, एक प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करवाता है और दूसरा डेवेलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स करवाता है। ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनमें आदमी में आवाज़ का भारीपन हो जाना और दाढ़ी आ जाना है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर हैं, इनके दरमियान कौन से सेल प्रेजेंट हैं? इंटरस्टिशियस है। ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं, जिनका काम मैंने बता दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करवाना है और दूसरा काम डेवेलपमेंट करवाना, किसकी? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स की। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं ये एक टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे जो सेल नजर आ रहे हैं इन्हें हमने नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल। यहाँ पे क्या होगी? माइटोसिस होगी और क्या बना देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस होगी और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस टू होगी और क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसमें? स्पर्म में। यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस वन हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियासिस टू हुई तो स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।